ना, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें जनरली ये बच्चे क्वेश्चन डाउट में लेके आते हैं। इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ द एसी वर्मा कि एक मेटल रिंग है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है ना। ये जो मेटल का रिंग है उसका मास एम, रेडियस आर है, स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पर रोटेट कर रहा है खुद के एक्सिस पर, सच दैट ईच पार्ट ऑफ द रिंग मूव विथ वेलोसिटी वी। हर पार्ट लीनियर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो टेंशन वी के टर्म में, एम के और आर के टर्म में कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पर मैं बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो कुछ लीनियर स्पीड होगा हर हर पार्ट के पास, और टेबल है जो स्मूथ है, तो इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो लीनियर स्पीड हर पॉइंट का इधर है, और अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो लीनियर स्पीड कुछ इधर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखोगे तो लीनियर स्पीड कुछ इधर आएगा, हर पॉइंट पे भाई लीनियर स्पीड इधर आएगा। और अगर रिंग के फ्रेम में देखोगे तो रिंग क्या कर रहा होगा, रिंग के फ्रेम में अगर देखोगे तो ये जो रेडियस आर है रिंग का, और इस पूरे रिंग का मास है छोटा सा पीस, अगर रिंग का छोटा सा पीस देखोगे तो ये बाहर की साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा ना भाई। हर पार्ट जो रिंग का है वो बाहर की साइड में जाना चाह रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा, तो ये बाहर की, इसी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा ओमेगा दे दोगे तो ये टेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रिंग टूट भी सकती है। तो ये यहाँ से ये एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की साइड में हर एक रिंग का पार्ट फील कर रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और इसी को हमें टेंशन निकालना है अगर एक खास स्पीड भी है तो। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, सेंट्रिपिटल फोर्स अगर ग्राउंड से देखते हो तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आएगा भाई, सेंट्रिपिटल फोर्स तो टेंशन से ही आएगा। तो एक काम करते हैं, इस रिंग के एक छोटे से पार्ट को हम लोग कंसीडर में लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये रिंग का सेंटर है और इसका छोटा सा आर्क हम कंसीडर करते हैं। ये मैं आपको ये लिए बड़ा बना रहा हूँ, बट है ये छोटा यार, ठीक है ना। ये एंगल डी थीटा है तो बहुत छोटा एंगल है, और ये हॉरिजेंटल से अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो एंगल बहुत छोटा आएगा। ये आ जाएगा डी थीटा बाई टू, और ये भी एंगल कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई टू। तो ये जो आर्क है, इस आर्क का नाम मैं ए बी रख देता हूँ। तो ये जो आर्क ए बी है इसमें कितना मास आएगा, पूरे रिंग का मास, तो रिंग का जो मास है, रिंग का मास वो स्मॉल एम है। तो मान लेते हैं ये जो आर्क है, दिस आर्क है मास एम डैश। तो इस आर्क का मास अगर एम डैश है तो सबसे पहले मैं एम डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ डी एक्स, मान लेते हैं इसका लेंथ डी एक्स होगा, तो इस आर्क की लेंथ हो जाएगी, अगर रेडियस आर है, ठीक है, दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, तो आर्क की लेंथ आ जाएगी आर डी थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो यहाँ से जो मास एम पर यूनिट लेंथ, पूरे रिंग की लेंथ आर है और आर्क की लेंथ आर डी थीटा है, तो आर ने आर को खत्म कर दिया, तो एम डी थीटा दैट इज 2 पाई, दिस इज बेसिकली द मास एम डैश एग्जिस्ट इन द स्मॉल आर्क जिसको मैं कंसिडरेशन में लिया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से अब कट करूँगा इस आर्क को, यहाँ से मैं कट करूँगा, तो कट करने के बाद जो मुझे दिखेगा इस ए पॉइंट और बी पॉइंट से, अगर मैं यहाँ से मैं इस पॉइंट से रिंग को कट कर दूँ और इस पॉइंट से मैं रिंग को कट कर दूं, तो टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अवे लगता है। तो समझने की कोशिश करना, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये रिंग है और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ, यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये सेंटर वही है, ये सेंटर ओ है और ये पूरा एंगल अपना डी थीटा था। तो ये जो एंगल है वो डी थीटा बाई टू है और ये एंगल डी थीटा बाई टू है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिस पॉइंट पे उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, तुम समझदार हो। तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैंने बी लिया था और इस पॉइंट को मैंने ए लिया था।
तो टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे आएगा, तो ध्यान रखना टेंशन ऐसे आएगा, टेंजेंशियल आएगा, इस लाइन में आएगा, ये लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे टेंशन टी आएगा। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये वाली एंगल भी तो डी थीटा होगी, तो ये डी थीटा बाई टू होगी, तो ये पूरी एंगल, ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा बाई टू, तो ये डी थीटा बाई टू आ जाएगा एंगल। तो टेंशन का एक कॉम्पोनेंट तो ऊपर जाएगा जो होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, एंड टेंशन का एक कॉम्पोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा दैट इज ए टी साइन डी थीटा बाई टू, ये वाला। सिमिलरली अगर यहाँ से देखोगे तो अगर ये डी थीटा बाई टू है तो ये भी तो डी थीटा बाई टू है, तो ये वाली जो टेंशन इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे लगेगी तो वो इधर लगेगी टेंशन टी। तो अगर ये टेंशन टी इधर लगेगी तो बेसिकली अगर बात करोगे तो ये इसको अगर नीचे बढ़ाओगे तो ये वाली एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 है, ठीक है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा बोलो, ये डी थीटा बाई टू होगा, तो टेंशन का एक कॉम्पोनेंट तो इधर आएगा, ठीक है ना, टेंशन का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और टेंशन का एक कॉम्पोनेंट जो सेंटर की तरफ जाएगा, ये है तो बहुत छोटा यार, बहुत छोटा इस मान लेंथ है, एक्चुअली इट इज गोइंग टुआर्ड द सेंटर, टी साइन डी थीटा बाई टू, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, 5 डिग्री से 2 डिग्री इस एंगल छोटा है। तो अब देखो अगर इस ये रिंग रोटेट कर रहा किसी भी पॉइंट पे, तो ये जो टी कॉस थीटा, ये वाला टी कॉस थीटा, इस टी कॉस थीटा को क्या करेगा बोलो, कैंसिल कर देगा, अपोजिट आ रहा है, और ये जो है टी साइन थीटा डी थीटा बाई टू, और ये जो टी साइन डी है ये सेंटर की तरफ आ रहा, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर मस्ट बी इक्वल टू 2 टी साइन डी थीटा बाई टू। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट है, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो टी डी साइन थीटा बाई टू और सेंटर की तरफ आ रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करें, इस एलिमेंट का मास एम डैश लिए थे हम लोग, तो यहाँ से साइन थीटा अगर एंगल छोटा होता है, साइन थीटा एंगल छोटा होता है, तो साइन थीटा और टेन थीटा छोटे होते हैं, तो छोटा थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन डी थीटा बाई टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाई टू। यहाँ से तो यहाँ से एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, देखो एम डैश पहले ही निकाल चुके हैं, तो एम डैश की वैल्यू पुट कर दो, एम डी थीटा बाई टू और ये रेडियस आर और वेलोसिटी वी का स्क्वायर, और यहाँ से टू टेंशन टी जो कि हमें चाहिए, और साइन डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू आ जाएगा, तो डी थीटा ने डी थीटा को यहाँ से ख़त्म कर देगा, और ये टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर टू, अरे भाई पाई छूट गया यहाँ से, तो अरे मेरा पाई कहाँ रह गया, तो एम डी थीटा एम डैश की वैल्यू एम डी थीटा अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई और आर, ठीक है ना, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम बी स्क्वायर ऊपर 2 पाई आर। अगर अच्छे से देखोगे तो ये इसी फॉर्मेट में है, सेंट्रीपिटल फोर्स की यही दे रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर ओवर आर, तो ये इसी के फॉर्मेट में है, तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, एम बी स्क्वायर ओवर आर वह लेंथ है जो रोटेट कर रहा है, दैट इज 2 पाई आर, तो ये जस्ट याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, और बेहतर तरीके से आपको पूरा फीलिंग आया होगा इसमें, कैसे है क्यों है, ओमेगा ज़्यादा बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, ऐसा समय आ सकता है, ग्रिंग टूट सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।